वरदान मांगू मैं नहीं। इन पंक्तियों के साथ अब मैं अगले क्रम में बुलाना चाहूंगी भड़ासपुर मीडिया के संपादक यशवंत सिंह को कि वे मंच पे आए और अपनी बात यहाँ उपस्थित वरिष्ठजन और प्रबुद्ध श्रोताजन, इसमें भी कई वरिष्ठ साथी हैं, अजय कुमार जी हैं, त्रिपाठी जी हैं, बहुत सारे वरिष्ठ लोग हैं, सबको प्रणाम करता हूँ। मेरा साथ अनुप गुप्ता जी से 15 साल पुराना नहीं है, क्योंकि 8 साल पहले भड़ासवार मीडिया नाम से एक पोर्टल शुरू किया था मैंने, जिसमें यह तय किया गया कि जो देश दुनिया की अच्छाई बुराई को उजागर करते हैं मीडिया वाले, अब समय आ गया है कि उनके किचन में भी क्या क्या पक रहा है उसकी सुगंध दुर्गंध को सामने लाया जाए। और ये पहली बार ये कोशिश तब इसलिए की हम लोगों ने कि मीडिया के बारे में कहा जाता है कंटेंट इज किंग, बेसिक जो नारा है मीडिया को लेके कि कंटेंट किंग होता है, ये मीडिया की सबसे ताकतवर टैगलाइन है और इसी लिहाज से कंटेंट पे मीडिया बात होती है। लेकिन जिस दौर में हम लोग जी रहे हैं, बाजार के दौर में जी रहे हैं, दुर्भाग्य से आज मीडिया में मार्केटिंग इज किंग, ब्रांडिंग इज किंग, रेवेन्यू इज किंग, बिजनेस इज किंग, कंटेंट सबसे लास्ट में आता है। तो हम लोग जिन आदर्शों से पत्रकारिता में आए, जिन आदर्शों से इलाहाबाद विश्वविद्यालय, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की पढ़ाई करते हुए छात्र आंदोलनों में शिरकत की, किसानों के बीच में गए, गांव गरीबों दलितों के बीच में गए, इस देश को समझा जाए, जो उस समझदारी के साथ, जिस समझदारी के चलते भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद और तमाम लोगों ने अपने अपने करियर को छोड़ के इस देश को बदलने की जद्दोजहद में शिरकत की और कोई सबने अपने अपने तरीके से योगदान किया, तो वो उन्हीं आदर्शों को लेकर हम लोग मीडिया में आए। और यहां पे जब अंदर के हालात को देखा 15 साल नौकरी करने के बाद, ट्रेनी से लेकर एडिटर तक का, कि यहां पे सब कुछ ठीक है, बस कंटेंट गड़बड़ है। हम लोग उस दौर में अखबारों में रहे, दैनिक जागरण में रहे, अमर उजाला में रहे, जिस दौर में पत्रकारों को विज्ञापन लाने का ठेका दिया जाने लगा था। पहले ये काम विज्ञापन विभाग करता था। हम लोगों ने विरोध यह किया कि जिन नेताओं के खिलाफ हम लोग खबरें लिखते हैं, बिना कोई रिवाल्वर रखे, बिना कोई बुलेट प्रूफ जैकेट पहने, बिना कोई टोपी लगाए, बिना कोई डंडा लिए, सिर्फ कलम के बल में, उन नेताओं से अगर हमने पैसे मांग लिए एक बार आपके लिए, कंपनी मालिकों के लिए, चुनाव के विज्ञापन के लिए, तो साल में कभी भी उनके घोटाले पर हम खबर लिखेंगे तो सरेआम सुधा दिखा के कहेगा थोड़ा पैसे एक बार और मांग लिए होते, तुमने कैसे लिखा। हमारी जो ताकत है वो हमारा आत्मस्वाभिमान है, वही आत्मस्वाभिमान जिसको लेकर आज अनूप भाई ने अपनी पीड़ा यहां पर रखी और रखते आए हैं। हमारे पास कुछ नहीं है सिवाय हमारे साहस के, हमारी समझ के, हमारी चेतना के, हमारे स्वाभिमान के और हमारे आत्मसम्मान के। पत्रकार मूलतः एक विशुद्ध सरोकार जीवी, कंटेंट जीवी प्राणी होता है और साहस संवेदना ही उसकी सबसे बड़ी ताकत होती है। जिस दिन हमने पत्रकार के बतौर खुद या अपने पत्रकारों से पैसे मंगवा दिए चुनाव के समय में पैकेज डील करने के क्रम में, उसके बाद से हमारी वो जो नैतिक साहस खत्म होती है, फिर हम किसी बड़ी खबर को नहीं लिख सकते हैं, ये तय है। और आजकल जो अखबारों का हाल है, आप लोगों को पता है कि अखबार और मीडिया हाउसेस, कॉर्पोरेट मीडिया जिसको हम लोग 8 साल से लगातार छाप रहे हैं, कि ये लोग अब घोटाले गड़बड़ झाले दिखाने छापने का धंधा नहीं करते हैं, छुपाने का पैसा लेते हैं, ठेका लेते हैं, ये तय हो गया है। और अब जबकि कॉर्पोरेट घराने मीडिया हाउसेज में आ गए, आज तक में कॉर्पोरेट घराने का निवेश है, एनडीटीवी से लेकर IBN 7 नेटवर्क की टीम, जितने भी समूह हैं सब में कॉर्पोरेट घरानों के निवेश है, तो हम लोग अब मीडिया हाउसेज कॉर्पोरेट लुटेरों के खिलाफ खबरें नहीं छाप सकते। रियान सबसे बड़ा चोर है इस देश का, वो तेल से लेकर जाने क्या क्या हवा स्पेक्टर सब चोरी करता रहता है, सारे उसके पैरल अफसरों को खरीद रखा है, हम उसके खिलाफ नहीं छाप सकते, हम नहीं कह सकते कि वो चोर है। हम किसी ट्रैफिक चौराहे के सिपाही को चोर बताएंगे जो रिश्वत देता हुआ मिल जाएगा, हम बहुत छोटे छोटे चोर तलाशेंगे और उसी को मार के बोलेंगे कि देखो हमने आज ये फतह कर लिया, कत्ल कर दिया और मीडिया जीत गई। दोस्तों जिस कॉर्पोरेट मीडिया की हम बात कर रहे हैं, उस कॉर्पोरेट मीडिया के खिलाफ लिखने का जब समय शुरू हुआ, ये ब्लॉग वेबसाइट टेक्नोलॉजी आने के बाद,
घर बैठे चलते रहते हैं। उन लोगों ने जेल भी भिजवाया हम लोगों को, वहां से हम लोगों ने जानेबंद जेल किताब लेके आए कि जेल वास्तव में बहुत अच्छी जगह है। हम लोगों ने महसूस किया जेल जाके, क्योंकि अगर बाहर बहुत कुछ नष्ट नहीं हो रहा है आपका, तो जेल बहुत ही लर्निंग की जगह है। वहां हर आदमी जिसे समाज में अपराधी या बुरा माना है उसकी एक कहानी है। दोस्तों, अनूप भाई लखनऊ में दृष्टांत के जरिए जो काम कर रहे थे, शायद हम लोग वही काम राष्ट्रीय स्तर पर कर रहे थे। और हम लोगों ने देखा कि इस देश में अलग अलग जो परमाणु है, अणु है, वो एक्टिव है, छटपटाहट है, वो लोग कुछ अलग कर रहे हैं। आप जिन कवर स्टोरी के यहाँ पे चित्र देख रहे हैं, जिनमें सर्वाधिक बार जो महाशय आए हैं, अफसर, बड़े अफसर, उनको मैंने आज फोन करके, उनका लखनऊ में था तो स्वास्थ्य पूछा, कैसे हैं आप। उम्मीद करते हैं कि अब वो दोबारा जो पुनर्जीवन के बाद आएंगे तो अपने पुराने कर्मों को पे आप निरीक्षण करेंगे। और ये बहुत साहस की बात है कि लखनऊ उस प्रदेश की राजधानी है जिसकी सबसे बड़ी आबादी है, सबसे बड़ा भूगोल है, लेकिन यहां दुर्भाग्य से मैं कहूंगा 1% भी पत्रकार ऐसे नहीं है जो अपने मीडिया हाउसेस या यहां के अफसरों या यहां नेताओं के खिलाफ साफ साफ लिख सके। जाने क्या है कि मुझे अनूप गुप्ता केवल एक मिलता है यहां पे, दूसरे अनूप गुप्ता मुझे नहीं दिखते हैं। और ये अनूप गुप्ता भी न रहे, इसके लिए इतने प्रयास, इतनी साजिशें, इतने तरह के लोगों ने साठगांठ की कि मैं खुद उसका गवाह हूं। लोगों ने जाने क्या क्या अनूप गुप्ता के बारे में मुझसे कहा और मेरे बारे में अनूप गुप्ता से कहा होगा, क्योंकि ये सही है। जब आप खुलेआम लड़ते हो, निर्णायक जंग करते हो, सच को सच करते हो, चोर को चोर करते हो, भ्रष्ट को भ्रष्ट करते हो, फिर पूरा सिस्टम आपको बदनाम करने में लग जाता है, आपकी कुंडली खंगाली जाती है। और आपने पहले भी देखा होगा अरविंद केजरीवाल के खिलाफ सारे सबूत निकलवाए गए, मैं उनका फैन नहीं हूं, भक्त नहीं हूं, लेकिन जब भी सिस्टम में कोई नया इमर्ज करता है, चैलेंज करता है सिस्टम को, सिस्टम सबसे पहले उसका कष्ट हरण करता है। और हम लोग तो तैयार है, हम लोग कह रहे हैं कि हम सबसे बुरे लोग हैं, हमारे में सब है। चलो बताओ, मैं शराबी हूं, मैं चरित्रहीन हूं, जितना तुम लाछन लगा सकते हो लगाओ, लेकिन क्या इससे हमारी वो लोकतांत्रिक ताकत कि हम बतौर संपादक 15 खबरें जो सिलेक्ट करके छापते हैं उससे तुम्हें मिर्ची क्यों लगती है? और वो खबरें कहीं और क्यों नहीं छपती है, वो सिर्फ हम ही लोग छापते हैं? दर्जनों उदाहरण है मेरे पास, ऐसा नहीं है कि वो खबरें और लोगों के पास नहीं जाती है। राजा टेप कांड की सीडी बल्क में बंटवाई गई थी, सारे मीडिया हाउसों के पास भेजी गई थी, हम लोगों के पास भूले मन से भेजा हुआ भी दे देते हैं, छोटा मोटा ये भी काम करता है। सबसे पहले हम लोगों ने छापा, वो सीडी दब गई हर जगह। वो सीडी ऐसा नहीं कि किसी खोजी पत्रकारिता के चलते बाहर आई थी, कॉर्पोरेट घरानों की आपसी लड़ाई थी, उसमें लीक कर दी गई। और ये सच है कि 99% बड़ी खबरें मीडिया हाउस के पत्रकारों के द्वारा खोजी हुई नहीं होती है, वो किसी अंदर विरोध, किसी कॉन्ट्राडिक्शन के चलते वो अपने आप निकल आती है, उसे छापने के भी साहस हमारे पास नहीं है। दिक्कत यह है, हम हजारों करोड़ टर्नओवर एक एसटी हिंदुस्तान टाइम्स मीडिया हाउस, उसने सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा किया हुआ है उनके ऊपर, तो उन्होंने इतनी बड़ी बैलेंस शीट उसके साथ लगाई है, बताया कि साहब हम तो इतनी महान परंपरा वाले अखबार हैं, हमारा इतिहास यहां से शुरू होता है और इतना बड़ा प्रोफाइल हमारा है, और ये जो सामने चीटी सा भड़ास है, इसका तो नाम ही गलत है, भड़ास माने उल्टी सीधी बात करने वाला। हमने कहा ठीक भाई, आप महान, हम लोग बहुत चोर चक्के घटिया किस्म के लोग, लेकिन तो बात करो तुम, जो महान संपादिका मृणाल पांडे एक साथ 70 लोगों की छटनी करती है अखबार में, और हम ये खबर छाप देते हैं कि साहब 70 लोगों को श्रम कानूनों को धता बताते हुए निकाल दिया, उसमें एक पत्रकार ने कहा कि पागल हो गई है, हमने छापा कि ये कह रहा है कि पागल हो गई है, बिक गई है। प्रमोद जोशी जी भी थे, उन पे भी आरोप लगा, हमने पब्लिश किया और हम लोगों ने उनका वर्जन लेने की कोशिश की, वो लोग सीधे कोर्ट गए, अरे हमारे खिलाफ कोई छाप सकता है? एक ब्लॉगर ने बरखा दत्त के उस लाइव रिपोर्टिंग पर सवाल उठा के ब्लॉग लिखा था उन दिनों मुंबई में, बरखा दत्त ने उस रात रात ब्लॉगर को उठवा लिया। हमारे पत्रकारों में, हमारे सेलिब्रिटी जर्नलिस्ट में, हमारे महान मीडिया हाउसेज में यह अहंकार आ गया था कि हम इस देश की चीजों को तय करते हैं। 8 साल, ज्यादा नहीं, मैं तो गवाह हूं, 8 साल देखते देखते घुटनों के बल बैठ गए, आंख नहीं मिलाते हैं, कुछ भी छापते रहिए साले, मुंह नहीं, बात तक नहीं करते, निगाह नहीं मिलाते हैं, 8 साल में अवकाश मिला दिया हमने। और वही काम जो काम मुझे भड़ास करता था, इस काम को सोशल मीडिया बड़े पैमाने में कर रहा है, बस सोशल मीडिया के समुद्र में हम देख नहीं पाते कि कौन सी चीज कहां ब्रेक हुई।
हम तो सिर्फ सोशल मीडिया पे आने वाली खबरों जो मीडिया से संबंधित है, जो बड़े खुलासे हैं, जिनको मेनस्ट्रीम मीडिया नहीं छाप रहा है, उनको केवल देख के संयोजित करके अपलोड कर देते हैं एक जगह। कुछ नहीं करते हम लोग, कोई महान काम नहीं करते हैं। हम शुद्ध ऐसी 10 खबरें रोज अपलोड करते हैं भड़ास पे, जो मेनस्ट्रीम मीडिया में नहीं आ सकती है। दोस्तों, अनूप गुप्ता जी की पीड़ा एक व्यक्ति की पीड़ा नहीं है। ये सही है कि ऊपर वाले भगवान नाम दे लो, प्रकृत नाम दे लो, जो भी कह लो, ऊपर वाले ने सबके सांचे अलग अलग बनाए हैं। उसने हर रोबोट में अलग अलग थॉट प्रोसेस भरा हुआ है। किसी किसी में चोरी भरी है तो किसी में सिपाही भरा है, किसी में ईमानदारी भरी है तो किसी में डकैत भरा है। और ये शायद यही मुझे अब लगता है 8 साल बाद मीडिया के सच को, सिस्टम के सच को जानते हुए मैं थोड़ा थोड़ा आध्यात्मिक होने लगा हूं आजकल। मुझे लगता है कि प्रकृति इसीलिए गतिमान है, उसने हर तरह के जीव पाल रखे हैं। अगर सब चोर हो गए होते तो सब मिलकर लूट के हम लोग आज तक मंगल पे बस्ती बसा चुके होते हैं। लेकिन नहीं, उनके टांग पकड़ने वाले ईमानदार ने भेज रखा है। कुछ प्रकृति को नष्ट करते हैं, कुछ प्रकृति को बचा रहे हैं। मेरा मानना है कि जिस दौर में हम लोग हैं भारत में, यहां की सबसे बड़ी ताकत और कुछ नहीं है, सिर्फ लोकतंत्र है, जिसकी मूल सुंदरता पारदर्शिता है, ट्रांसपेरेंसी। अगर आप लूट खसोट कर रहे हो और उस लूट खसोट में मीडिया को भी हिस्सा बना चुके हो, जो कि अखबार चैनल्स बड़े बड़े हैं, और उनकी वो इसीलिए बनाते हैं ताकि ये पूरा खेल आम जनता के सामने न जाए। और कितने प्यार से बाप बेटे की लड़ाई में सारी लूट कांड पे पर्दा पड़ गया है और बेटा अचानक सुपर हीरो की तरह चड्डी पहन के उड़ रहा है हवा में, बहुमत लाने की बातें हो रही है। ये कुछ ये सब हम लोग की चेतना पे धुंध डालने के लिए है। हम गायत्री प्रजापति को भूल जाएं, हम नवनीत सहगल के पूरे मैनेजमेंट को भूल जाएं कि क्यों हर महीने विदेश जाते हैं और ज्यादा के वहां के नेताओं को पैसों कैसे सेटल करते हैं, हम लोग भूल जाएं। अनूप भाई ने जो छापा है, महान पत्रकार हेमंत तिवारी जो पत्रकारों की हत्या का सौदा करता है, ऐसे ऐसे लोग इस सिस्टम में भरे पड़े हैं, इनको इनके बारे में सही सही छाप देना। अगर अपराध है तो वाकई अनूप गुप्ता अपराधी है, इनकी हत्या करा दो, अब लाश आपसे नहीं बचता है। लेकिन अनूप भाई, आप डरिए नहीं, आप डरते हैं नहीं, आप कमजोर मत मानिए अपने को। हम लोग जहां हैं देश के अलग अलग हिस्से में, बहुत सारे अच्छे लोग हैं, ईमानदार लोग हैं, जो हमारे आप जैसे लड़ने वाले साथियों के साथ खड़े हुए हैं। और सच मानिए, तकलीफ आप लोगों को लगता होगा कि बड़ा तकलीफ है बड़ा ईमानदार होने में, कोई तकलीफ नहीं है। हम लोगों ने कोई मजबूरन डंडा के बल पर च्वाइस नहीं लिए कि हमें बड़ा झेलना है, हमें आनंद आता है। सच में, अगर पत्रकारिता में आपको आम जनता की तरह रह के उसके दुखों को झेल के आनंद नहीं आता है तो फिर आपको कोई और पेशा अपनाना चाहिए। सही बात है, मैंने तय किया इस साल से मैं स्लीपर में चलूंगा। हम वो एसी वाला क्लास जो बहुत ही जहीन होता है और बहुत ही इशारे इशारे में कैलकुलेट कर लेता है, कम बोलता है, उससे उब चुके हैं। हम इस साल पूरा स्लीपर में चलेंगे और कंबल लेके मैं चलता हूं। 250 रुपया ओला से मैं स्टेशन पहुंचा और 250 के टिकट में यहां आ गया स्लीपर से। हम देखते हैं कुछ स्लीपर वाला बंदा बहुत ही टारगेटिव है, गांव का है, वो फिल्म में मांग के, बेटा तुम्हारे पास कोई फिल्म है, मेरे पास ट्रांसफर करके स्मार्टफोन में। ये नया भारत जो बन रहा है, इसको समझने के लिए हमने अपने क्लास कैरेक्टर को छोड़ना पड़ेगा, हमें आम जनता की तरह सफर करना पड़ेगा, चलना पड़ेगा। हमें जनरल डिब्बे में चलने चाहिए, कष्ट होगा आपको, जो है चलना चाहिए हमको, देखना चाहिए वहां कैसे अपराधी तत्व कब्जा करके सीट बेच रहे हैं। हमें लड़ना पड़ेगा उनसे, हमें दिक्कत होगी, हमें देखना पड़ेगा कि आम जनता क्या बातें कर रही है। गांव में रहना पड़ेगा हमें 6 महीने, अब तो मजबूरी भी है क्योंकि महानगरों की हवा इतनी खराब है कि मैं पिछले 2 साल से दिल्ली छोड़ चुका हूं और भटक भटक के रहता हूं, कभी जयपुर के गांव में रहता हूं, कभी मेरठ के गांव में रहता हूं, कभी गाजीपुर में रहता हूं। हमें जीवन को संपूर्ण उदारता के साथ जीना अगर है तो हमें अपने जीवन को एंजॉय करना चाहिए। और जीवन कोई अलग थलग जीवन और मौत नहीं है, एक पूरा एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। मैं बहुत पहले मान चुका हूं कि मेरी डेथ हो चुकी है, क्योंकि जब आप कोई चीज शुरू करते हो आत्महंता आस्था के साथ तो मान चुके होते हो कि मेरी उम्र 5 साल है। भड़ास शुरू किया हम लोगों ने, देश के सारे बड़े मगरमच्छ संपादकों के खिलाफ मोर्चा खोला, हमें पता था कि हम लोगों की उम्र 5 साल से ज्यादा नहीं है, या तो भड़ास बंद हो जाएगा, या हम लोग गोली मार दी जाएगी, या हम लोग जेल में रहेंगे। 3 ऑप्शन थे हम लोगों के पास, लेकिन विकल्पहीनता में हम लोगों ने शुरू किया। सच है, कोई कहे कि आप क्रांतिकारी है ना, हमने मजबूरी विकल्पहीनता में शुरू किया,
क्योंकि कोई नौकरी देने को तैयार नहीं था 15 साल बाद। क्यों नहीं साहब? ये लड़ जाता है, ये कंटेंट की बात करता है, ये मार्केटिंग वालों को दौड़ा लेता है, क्योंकि कंटेंट इज किंग सीख के आए हुए हैं हम लोग। उसी समय ब्लॉगिंग शुरू हुई, उसी समय भड़ास ब्लॉग बना, भड़ास मीडिया एक प्रयोग के तौर पर बनाया कि पहले दिल्ली में हिप भर गरियाल लेते हैं सारे चोरों को, फिर गांव चल के खेती करेंगे। बाद में मेरा गरियाना ही मेरा धंधा बन गया और ढेर सारे देखा कि मेरे लिए इस देश के ढेर सारे मीडिया में भड़ास भरी पड़ी है, सबको मंच दिया, हम लोगों ने मौका दिया और आज देखते देखते वो एक ऐसा मंच बन गया है जो भारतीय मीडिया और खासकर हिंदी मीडिया को समझने के लिए उस पर पीएचडी तक हो चुकी है, तमाम बड़े विश्वविद्यालयों में हो भी रही है। दोस्तों अनूप गुप्ता जी 2014 में एक शाम लखनऊ आए थे तो मैंने फेसबुक पे उनकी एक फोटो के साथ सेल्फी लेते हुए लिखा था, ऊपर के सुनाना चाहता हूं। ये 24 दिसंबर 2014 को लिखा था मैंने, इसको भड़ास में पब्लिश किया था। लखनऊ के जामाज पत्रकार अनूप गुप्ता दिल्ली आए तो मुझे भी कुछ पल उनके साथ गुजारने का मौका मिला। अपनी मैगजीन दृष्टांत के जरिए दलाल पत्रकारों, करप्ट मीडिया मालिकों और भ्रष्ट नौकरशाहों में खौफ का पर्याय बन चुका यह शख्स वर्तमान दौर में साहसी पत्रकारिता का प्रतीक है। करीब आधा दर्जन बार इन्हें मारने की कोशिश हो चुकी है, दर्जनों मुकदमे झेल रहे हैं और यह क्रम जारी है। कोबरा पोस्ट में अमरुद बहल जैसे नामी पत्रकार के साथ पत्रकार खोजी पत्रकारिता कर चुके अनूप गुप्ता कई बड़े स्पेशल स्टोरीज पर लगातार काम करते रहते हैं और अपनी मैगजीन के आने वाले अंकों में कई और बड़े तगड़े खुलासे करने वाले हैं, जो कि दिख भी रहा है। उसके बाद उन्होंने कई खुलासे किए, कईयों को नंगा करने वाले हैं। लखनऊ के पत्रकार जिन भ्रष्ट अफसरों की जी हुजूरी करके अपना पापी पेट पालते हैं, उन दैत्याकार किस्म के अफसरों को अवकाश दिखाने में अनूप ने देर नहीं लगाई। इस जुझारू पत्रकार को मेरा सलाम और शुभकामनाएं। अनूप भाई आपके युद्ध में मेरा जब जैसा इस्तेमाल समझ आए बेहिचक कर लेना, भड़ास टीम आपके साथ।